हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आवर चैनल टेक्निकल मॉरेज। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ वीवो वाई वन एस डिवाइस के अंदर आप इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक कैसे लगाओगे। फ्रेंड्स, आप सोच रहे होगे हमारे फ़ोन के अंदर डिस्प्ले में सेंसर नहीं लगा है, वहाँ पे फिंगरप्रिंट लॉक कैसे लगेगा। फ्रेंड्स, मैं आपको एक छोटा सा एप्लीकेशन बताऊँगा जिससे आप अपने फ़ोन में डिस्प्ले में फिंगर लॉक लगा पाओगे। तो फ्रेंड्स, चलिए आपको अपने प्ले स्टोर में चलता हूँ जहाँ से आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और अपने फ़ोन में फिंगरप्रिंट लॉक लगाना है। तो मैं यहाँ पे अपने प्ले स्टोर को ओपन कर लिया हूँ। आप देख रहे हो मेरे प्ले स्टोर जो है यहाँ पे ओपन हो रहा है। और इसके बाद आपको यहाँ पे सर्च के ऑप्शन में आ जाना है। यहाँ पे जैसे आओगे आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है वीवो थेम्स। आपको वीवो थेम्स का एप्लीकेशन है उसे डाउनलोड करना है। तो आपको यहाँ पर सर्च करना है वीवो थेम्स। तो मैं यहाँ पर सर्च कर ले रहा हूँ वीवो थेम्स। आप देख रहे हैं वीवो थेम्स का जो लोगो है कुछ इस तरह आएगा, उस एप्लीकेशन का जो लोगो है ऐसे आएगा। तो आपको इसको डाउनलोड कर लेना अपने फ़ोन में। और आप देख रहे हैं मेरे फ़ोन में पहले से डाउनलोड है और यहाँ पे मैं ओपन करने का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। आप देख रहे हैं मैं इसको ओपन कर लिया हूँ। अब मेरे फ़ोन में ये ओपन हो रहा है एप्लीकेशन। तो फ्रेंड्स, आप जब पहली बार इसको ओपन करेंगे तो आपको अपने फ़ोन में परमिशन देना होगा। तो आपको वहाँ पर अलाउ का परमिशन दे देना है। इसके बाद यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। आप देख रहे हैं बहुत सारे थेम आ रहे हैं, तो आपको इनमें से कोई यूज नहीं करना है। आपको यहाँ पर थ्री लाइन्स पर आ जाना है। आप देख रहे हैं यहाँ पर थ्री लाइन्स का ऑप्शन है आपको, तो आपको इस पर क्लिक करना है। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे यहाँ पे आपको फनटच ओएस का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे यहाँ पे बहुत सारे थेम आ जाएंगे, तो आपको थोड़ी सी स्क्रॉल करके नीचे आना है। नीचे आपको ये वाला थेम डाउनलोड कर लेना है। ये वाला आप देख रहे हैं ओरिजिन ओएस थेम है, इसको आपको अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लेना है। तो आप देख रहे हैं मैं इस पर क्लिक कर लिया हूँ। तो मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा या आप क्लिक करोगे तुरंत यहाँ पर आपको ऐड आ जाएगा। तो आपको ऐड को स्किप कर लेना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं मैं जैसे ऐड को स्किप करता हूँ यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाता है, तो यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है इसको। तो मैं इस पे डाउनलोडिंग पे क्लिक कर दिया हूँ। अब मेरे फ़ोन में ये डाउनलोड हो रहा है। 24 MB का है, थोड़ा सा समय लगेगा। तो फ्रेंड्स, आपको थोड़ी सी वेट कर लेना है। इसके बाद जैसे डाउनलोड हो जाएगा मैं आपको अपने फ़ोन में बताऊँगा कि आपको अपने फ़ोन में फिंगरप्रिंट लॉक कैसे लगाना है। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरे फ़ोन में डाउनलोड हो रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ कि आप जब भी अपने फ़ोन में इस थेम को यूज़ करेंगे तो आपको अपने स्क्रीन लॉक को डिसेबल कर देना है। जो भी आप अपने फ़ोन में स्क्रीन लॉक या पैटर्न लॉक कोई भी लगाए हैं स्क्रीन लॉक पे, पिन लॉक या पैटर्न लॉक कोई भी है, तो उसको आपको डिसेबल कर देना है। तो फ्रेंड्स, जब उसको आप डिसेबल कर देंगे तभी ये थेम जो है आपके फ़ोन में अच्छे से काम करेगा। क्योंकि अगर आपके फ़ोन में लॉक लगा रहेगा तो ये लॉक जो है अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको अपने फ़ोन में इसको अपने स्क्रीन लॉक को डिसेबल कर लेना है इसको यूज करने से पहले। तो आप देख रहे हैं मेरे फ़ोन में यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है, तो आपको अपने फ़ोन में ऐसे डाउनलोड कर लेना है। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरे फ़ोन में लगभग अब डाउनलोड हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यहाँ पे लगभग अब डाउनलोड हो गया यहाँ पर, और दोबारा से ऐड आ जाता है। तो ऐड को दोबारा भी आपको स्किप कर लेना है। आप देख रहे हैं मेरे फ़ोन में दोबारा ऐड आया, तो मैं यहाँ पर इस ऐड को स्किप कर लेता हूँ। तो आप देख रहे हैं ऐड को यहाँ पर स्किप कर लेना है। आप जैसे स्किप करोगे यहाँ पे आपको चेंज थीम का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे यहाँ पे जो आपके फ़ोन में थीम का एप्लीकेशन है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो आपको नीचे में लोकल का ऑप्शन मिलता है, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपको लोकल थीम का ऑप्शन आता है, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। आपको इस पर जैसे क्लिक करेंगे आपके फ़ोन में जो भी थीम है यहाँ पर शो हो जाएंगे, और यहाँ पे आपको डाउनलोड थीम्स, आप देख रहे हैं जो आपने थीम डाउनलोड किया है वो यहाँ पे शो हो रहा है, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। आपको ऐसे इस पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब आप देख रहे हैं मेरे फ़ोन में यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, और यहाँ पर लगभग अप्लाई हो भी गया। आप देख रहे हैं मेरे फ़ोन में अब यहाँ पर लोडिंग ले रहा है, जो थीम है वो पूरी तरह से चेंज हो रहा है, और जो नया थीम है ये मेरे फ़ोन में लोडिंग ले रहा है। फ्रेंड्स, ऐसे आपको अपने फ़ोन में थीम को अपने चेंज कर लेना है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि अपने फ़ोन में फिंगर कैसे ऐड करना है। तो आप देख रहे हैं जो मेरा थीम है अब चेंज हो चुका है। आप देख रहे हैं मेरा फ़ोन अच्छे से चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो आपको ऐसे अपने फ़ोन में थीम को चेंज कर लेना है। और मैं अपने स्क्रीन को लॉक करता हूँ, वहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि वहाँ पर जो है फिंगर जो है सेंसर जो है आया या नहीं आया। तो मैं अपने स्क्रीन को लॉक करता हूँ। आप देख रहे हैं मैं अपने स्क्रीन को लॉक कर दिया हूँ। अब यहाँ पे सेंसर आ रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पे सेंसर आ रहा है। तो आप जब इस पर क्लिक करोगे आपका फ़ोन जो है अनलॉक
हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं, मैं इस पे जैसे क्लिक करता हूँ मेरा फ़ोन जो है अनलॉक हो जाता है। फ्रेंड्स, ऐसे आपको अपने फ़ोन में फिंगर लॉक लगा लेना है। आप देख रहे हैं, मैं जिस पे जैसे इस पे क्लिक करता हूँ तुरंत मेरा फ़ोन जो है अनलॉक हो जाता है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ कि ये कोई लॉक नहीं है, एक थेम है जहाँ पर लोगो बना हुआ है। जब आप उस पर क्लिक करोगे तो आपका फ़ोन जो है अनलॉक हो जाएगा। इसके अलावा आप कहीं भी टच करोगे आपका फ़ोन जो है अनलॉक नहीं होगा। आप देख रहे हैं, मैं कहीं भी टच कर रहा हूँ मेरा फ़ोन जो है अनलॉक नहीं होगा। जब मैं इस सेंसर पे क्लिक करूँगा तो मेरा फ़ोन जो है अनलॉक हो जाएगा। इसमें कोई फिंगर नहीं ऐड होगा, डायरेक्टली ऐसे फ़ोन जो है आपका अनलॉक हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर सेंसर आ रहा है, जब आप इस सेंसर पर ऐसे क्लिक करोगे तभी आपका फ़ोन जो है अनलॉक होगा। तो फ्रेंड्स, ऐसे आपको अपने फ़ोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक लगा लेना है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगे, उसे लाइक कर लें, शेयर कर लें। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स, फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।